पटेल नगर निवासी महिला ने तिकोना थाने पर पहुंचकर जमीनी विवाद में विपक्षियों की शिकायत। थाना से तिकोना इलाके के पटेल नगर निवासी महिला लज्जावती पत्नी जवाहर ने तिकोना थाने पर पहुंचकर बताया कि उसकी जमीन तिकोना देहात में स्थित है, जहां पर कुछ लोग उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जब महिला अपने खेत में धान की रोपाई कराने गई तो उसके साथ मारपीट व धमकी दी गई, साथ ही महिला को जान से मारने की भी धमकी दी गई। लज्जावती, क्या दिक्कत है? यही खेते गहना खेत जतावे तो वही बैठवावे तो वाका करती वहाँ अपना जबरदस्ती कब्जा की है। कई लोग हैं? वही लोग मैं हैं, पांच भाई हैं। का कहते हैं जब बैठवाए गए तो का कहें? हमें गंदी गंदी गाड़ी दी है और हमारे पास कहते हैं अभी तो कई गन्नों में गाड़ी बहाई दी है। इससे पहले भी शिकायत किया था कभी? हाँ। तो कोई गया था? पुलिस वाला नहीं गया? कोई जाने गए कि नहीं गए हमें कोई खबर नहीं दी। शास्त्री नगर निवासी युवक ने अपने सौतेले भाइयों पर लगाया मारपीट व धमकी देने का आरोप तिकोना पुलिस को दी तहरीर। थाना से तिकोना इलाके के शास्त्री नगर कस्बा निवासी आबिद हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन ने तिकोना थाने पर पहुंचकर अपने भाइयों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित युवक ने बताया कि वो दूसरी पत्नी का पुत्र है, जिसे एक घर मिला था, अब उसे उस घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार उसके साथ मारपीट तथा धमकी दी जा रही है। आबिद हुसैन कहाँ कर रहे हैं? सर मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। क्या दिक्कत है? सर ये हमारे अब्बू दो शादी किए थे, मैं अपनी माँ से अकेला हूँ और ये छह भाई हैं अपनी नई वाली माँ से, और बार बार ये लोग रात में घर पे गाड़ी से भर के आते हैं, गाड़ी गाली देते हैं माँ बहन के और लड़की को गाली देते बार बार, और कहते कि ये घर खाली करो। जब हम अपना हिस्सा मांगते हैं तो मेरे बाप और मेरे भाई लोग बार बार हमको प्रदंडित करते हैं। तो ये जो घर है ये किसने दिया था? आपके बाप ने दिया? ये हमारे बाप ने जब वहाँ हमारी औरत मुकदमा किया था भिनगा में, तो डर के वजह से ये घर दिए थे कि तुम लोग उसमें रहना। तो अब क्या दिक्कत कर रहे हैं? और ये लोग हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं बार बार घर खाली करो। आपके मतलब बच्चे भी हैं? सर हमारी एक लड़की है, दो बच्चे हैं। वाइफ भी होंगी? जी। सबको भगा रहे हैं? सबको बार बार घर से भगा रहे हैं, हमारे घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। इसके पहले आपने शिकायत की थी कभी? सर मैं दो बार 100 नंबर पे फ़ोन किया रात में, तो पुलिस वाले मतलब हमारे फ़ोन को रिसीव नहीं किया। एक बार रिसीव भी किए तो वहाँ तक पहुँचे नहीं। बिना मास्क बाहर घूम रहे लोगों पर राजस्व कर्मियों ने की कार्रवाई, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए वसूला जुर्माना। उप जिला अधिकारी तिकोना के निर्देश पर दो नक्का के पास राजस्व कर्मियों ने अभियान चलाते हुए बिना मास्क बाहर घूम रहे लोगों को चिन्हित किया और ऐसे लोगों से जुर्माने की राशि वसूलते हुए सख्त हिदायत दी। दोबारा मिलने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही 10 गुना ज़्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। तिकोना इलाके के धनोही रोड के कंजड़वा दोनक्का के पास की तस्वीर, जहां पर राजस्व कर्मियों ने अभियान चलाया और बिना मास्क मिले लोगों पर कार्रवाई की। सीओ कार्यालय तिकोना के पास पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, कई वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना, किया गया चालान। तिकोना इलाके के सीओ कार्यालय तिराहे की ये तस्वीर, जहां पर तिकोना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए बिना मास्क लगाए लोगों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कई वाहन चालकों से जुर्माने की राशि वसूली, साथ ही कई वाहनों के चालान किए गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तिकोना इलाके के कस्बे का मामला, जहाँ पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अपनी मांगों को लेकर भिनगा जिला मुख्यालय पर एम्बुलेंस कर्मचारियों का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी, आज रात से हो सकता है कार्य बहिष्कार। श्रावस्ती जनपद का मामला, जहां पर एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरने पर हैं, आज तीसरे दिन भी कर्मचारियों का धरना जारी है। कर्मचारियों ने बताया कि आज शाम 5 बजे तक अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आज रात 12 बजे से कार्य का बहिष्कार भी किया जा सकता है, जिसके बाद जनता को होने वाली समस्याओं के जिम्मेदार शासन प्रशासन व कंपनी होगी। लगातार तीसरे दिन भी भिनगा में प्रदर्शन जारी है। एसडीएम ने तिकोना ब्लॉक सभागार में व्यापारियों संघ की बैठक, व्यापारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उपजिलाधिकारी तिकोना ने ब्लॉक सभागार में व्यापारियों संग बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संक्रमण काल में कोविड गाइडलाइन नियमों का किस प्रकार पालन करना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही
लोगों को सतर्क रहकर स्वस्थ रहने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मिथिलेश शुक्ला, अनिल नैयर, कन्हैया कसौंधन, एहसान चौधरी, आलमगीर, विनोद यादव, राम सिंह, सुरेश गुप्ता, राजू, सैफ, सलमान, बीरेंद्र मिश्रा, इंद्रसेन जायसवाल, अनिल कुमार गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे, जिन व्यापारियों को उप जिलाधिकारी इकौना ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इकौना के भिनगा बाईपास मोड़ पर पहुंचे अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा नितिन मित्तल, युवाओं ने किया भव्य स्वागत। इकौना इलाके के भिनगा बाईपास मोड़ का यह मामला, जहां पर युवा मोर्चा के भारी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नितिन मित्तल का भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान अवधेश पांडे, आशुतोष पांडे, विवेक प्रताप सोनी, ललित तिवारी, सुमित मिश्रा, अनुपम मिश्रा, भूपेंद्र पांडे, धर्मेंद्र सिंह, आकाश मिश्रा, विराट वाजपेयी, प्रणव कसौंधन, संदीप मिश्रा, मनोज तिवारी, तसव्वर वारसी, अंकुर सिंह, महेश यादव, अभिषेक दुबे आदि लोग मौजूद रहे, जिन्होंने आए हुए अतिथि का भव्य स्वागत किया और फूल मालाओं से उन्हें सम्मानित किया। इकौना इलाके के भिनगा बाईपास मोड़ का मामला। इकौना कस्बे में निकलकर उप जिला अधिकारी ने वीकेंड कर्फ्यू का कराया पालन, खुली हुई दुकानों को बंद कराते हुए लोगों से मास्क लगाने की अपील। इकौना कस्बे का मामला, जहां पर निकलकर इकौना के उप जिला अधिकारी ने कस्बे में भ्रमण किया। इस दौरान खुली हुई दुकानों को बंद कराया, साथ ही जो लोग बिना मास्क मिले उन्हें मास्क लगाने के लिए अपील की गई। इकौना कस्बे का मामला, जहाँ पर पहुँचकर उप जिला अधिकारी ने वीकेंड कर्फ्यू का पालन कराया, खुली हुई दुकानों को बंद कराते हुए लोगों से बातचीत करते हुए संक्रमण काल में दुकानें बंद रखने की अपील की, साथ ही लोगों से मास्क लगाने की अपील की, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। इकौना कस्बे के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें, जहां पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी ने वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लिया। चराहगाह निवासी बुजुर्ग पर किया गया हमला। बुजुर्ग बीती रात पहुंचे इकौना अस्पताल, डॉक्टरों ने शुरू किया उपचार। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के चरागाह निवासी 70 वर्षीय मोहम्मद शरीफ पुत्र नसूद उल्ला मारपीट की घटना में चोटिल होकर इकौना अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें थाने पर जाने की सलाह दी। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के चरागाह गाँव का मामला, जहाँ पर 70 वर्षीय बुजुर्ग मारपीट में चोटिल हुए, जिसके बाद उनके परिजनों ने उन्हें लाकर इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार और मेडिकल परीक्षण करने के साथ साथ उन्हें इकौना थाने पर जाने की सलाह दी। इकौना इलाके के चरागाह गांव का मामला, जहां पर बुजुर्ग पर हमला किया गया और बुजुर्ग चोटिल हुए, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें लाकर इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देर रात भर्ती कराया। बैदौरा निवासी महिला और उसके मासूम बच्चे की गई पिटाई। महिला ने देर रात इकौना थाने पर पहुंचकर दी तहरीर। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के बैदौरा निवासी सबाना पत्नी पुत्र ने इकौना थाने पर पहुंचकर अपने ससुर व ससुरालियों के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। महिला ने बताया कि उसे व उसके पति को घर से भगाया जाता है, घर में नहीं रहने दिया जाता है, जिसके चलते विपक्षियों ने एकजुट होकर महिला को गाली देते हुए मुक्का थप्पड़ व घूसा से मारा पीटा, जिसके बाद उसकी एक माह की बच्ची भी चोटिल हो गई। जब उसका पति मौके पर पहुंचा, जब बातचीत की गई तो उनके साथ भी मारपीट पर आमादा हो गए। कहाँ घर है? मैं बैदौरा। क्या हुआ है? सुबह उनके जेठानी हमारे एक जनी उनके दो बेटिया हमारे ससुर है जेठ है उन्होंने सुबह गुंडा उंडा बुलाए लेके आए। आपके आदमी कहाँ है? कितने साल पहले शादी हुई है? मेरे भी 4 साल शादी। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। इसको कैसे चोट लगी?
कैसे चोट लगी है? ये लटक गई रही, इसे भी नहीं जानते कैसे चोट, लेकिन हमें बहुत लपटी आई थी। बेदौदा? हाँ बेदौदा।